और अब बात 20 दिसंबर 2019 को मेरठ में भड़की हिंसा की, जिसमें बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अनीस खलीफा ही वो शख्स हैं जिसने मेरठ शहर में हिंसा की आग लगाई। अनीस ने ही दंगाइयों के हाथों तक हथियार पहुंचाए, पुलिस को निशाना बनाया सिर्फ अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए। आखिर क्या है हिंसा के पीछे अनीस के भाई की हत्या का कनेक्शन, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मेरठ हिंसा के गुनाहगार अनीस खलीफा, बदला लेने के लिए पीएफआई से जुड़ा अनीस। मेरठ हिंसा की इस तस्वीर में काली जैकेट में मौजूद शख्स अनीस खलीफा है। जी हां, अनीस खलीफा ही है मेरठ में हुई हिंसा का असली गुनाहगार। अनीस खलीफा ही वो शख्स है जिसको पुलिस पर फायरिंग का जिम्मा मिला था। यही वो शख्स है जिसने दंगाइयों के हाथों तक हथियार पहुँचाए थे। पुलिस की गिरफ्त में हथकड़ियों में जकड़ा अनीस खलीफा ही वो शख्स है जिसने 20 दिसंबर 2019 को मेरठ शहर में आग लगाई थी। यही वो चेहरा है जिसने शहर में पीएफआई के साथ मिलकर पुलिस पर फायरिंग करवाई थी। मेरठ में पीएफआई के खिलाफ जारी धरपकड़ के बीच पुलिस ने पीएफआई के सदस्य अनीस खलीफा सहित एक और शख्स शाने आलम को गिरफ्तार किया है। दोनों पर हथियार मुहैया कराने और गोली चलाने के लिए लोगों को माइंड वॉश करने का आरोप है। आपको बता दें कि अनीस खलीफा पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित था और बीते 20 दिसंबर की हिंसा में इस शख्स की गोली चलाते तस्वीर भी मिली है। 1987 के दंगों में भाई की मौत का बदला लेने के लिए अनीस खलीफा पीएफआई से जुड़ा। पीएफआई से जुड़ने के बाद उसने हिंसा के जरिए शहर को फूंकने की कोशिश की। क्या इसका पूरा वर्क था उस दंगे में और क्या नाम है जो आरोपी अरेस्ट हुआ है? ये अनीस खलीफा है और 20 दिसंबर 2019 को मेरठ जनपद में, खासतौर से शहर में, जो उपद्रवी तत्वों के द्वारा तमाम तोड़फोड़, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और पथराव, फायरिंग जैसी घटनाएं कारित की गई थी, उसके परिप्रेक्ष्य में एक वीडियो हम लोगों को मिला जिसमें एक युवक फायरिंग करते हुए दिखाई दिया है। उसका तस्दीक कराया गया तो उसका नाम अनीस खलीफा निकल के आया। उसकी अरेस्टिंग की गई है थाना लिसाड़ी गेट में। उससे जब पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जिसको तस्दीक भी किया जा रहा है। और इसने पूछताछ में प्रथम दृष्टया बताया कि इसके भाई की मृत्यु हुई थी जब 1987 में दंगा हुआ था और उसी समय से इसके दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि मौका मिलने पर इस तरह का कुछ किया जाए, जिससे एक तरह से कहा जाए तो बदले की भावना में वो चल रहा था। और जैसे इसको सुगबुहाट हुई कि 20 तारीख कुछ हो सकता है, तो इसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक प्लानिंग किया कि पुलिस को टारगेट करके फायरिंग किया जाएगा और बदला लिया जाएगा। बेसिकली उसका उद्देश्य था। बताया ये भी जा रहा है कि अनीस खलीफा ने ही जो दंगाई थे उनको जो हथियार और कारतूस है वो मुहैया कराया है और कहीं ना कहीं वो पुलिस को टारगेट बनाना चाहते हैं। हाँ, इसमें उसका मोटिव ये था और उसने कुछ वीपन लोगों को दिए थे। इसमें कुछ और लोगों के भी नाम आए हैं जिनके द्वारा भी ये काम किया गया है। उनकी गिरफ्तारी का भी हमारे स्तर से प्रयास चल रहा है, टीमें लगी हुई हैं। और इसके द्वारा जो असलहे दिए गए थे, कुछ असलहे इसके पास से बरामद हुए हैं। इसमें 9mm के पिस्टल है और 315 बोर के पिस्टल भी बरामद हुए हैं। 20 दिसंबर 2019 को मेरठ में हजारों की संख्या में बवालियों ने सड़क पर उतरकर पुलिस के सामने उपद्रव मचाया। पुलिस पर पथराव और फायरिंग की गई। लिसाड़ी गेट में 3 जगह और नौचंदी में 2 जगह पर पुलिस को घेरकर गोलीबारी की गई थी। इस्लामाबाद चौकी को भी बवालियों ने आग के हवाले कर दिया था। 35 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को एक दुकान में बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। इस मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों के फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए थे जो पुलिस पर फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। इन सभी के फोटो बाजारों और थानों पर भी लगाए गए थे, जिसके बाद हिंसा का मास्टरमाइंड अनीस खलीफा पुलिस की पकड़ में आया। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ मेरठ में 20 दिसंबर को हुई हिंसा में पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाला और दंगाइयों को हथियार और कारतूस मुहैया कराने वाले आरोपी अनीस खलीफा को पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि अनीस से पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं और अनीस खलीफा पीएफआई का एक सक्रिय सदस्य है और इसकी पूछताछ से जो सुराग हाथ लगे हैं उस पर पुलिस की कई टीमें काम कर रही हैं और जल्द ही पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगेगी।
पूछताछ में अनीश ने बताया कि 1987 के दंगों में उसके भाई की हत्या कर दी गई थी। उसी का बदला लेने के लिए अनीश PFI से जुड़ा और बीती 20 दिसंबर को हिंसा की साजिश रची थी। हिंसा करने के आरोप में 3 आरोपियों की धरपकड़ पुलिस कर चुकी है, जबकि 20,000 का इनामी अनीश खलीफा फरार चल रहा था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अनीश सद्दीक नगर का रहने वाला है और उसके कपड़े का कारोबार है। दंगे से एक दिन पहले यानी 19 दिसंबर को परवेज और अनीस खलीफा ने मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में सबको अपने अपने काम की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उस मीटिंग में यह तय हुआ था कि अनीस खलीफा ही पुलिस पार्टी पर फायर करेगा और दंगाइयों को हथियार और कारतूस भी मुहैया कराएगा। और कहीं ना कहीं पुलिस को अब अनीस से पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं और पुलिस का कहना है कि इस दंगे में अनीस खलीफा मास्टरमाइंड साबित हो सकता है। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, ABP गंगा। सबसे पहले खबरें पाने के लिए ABP गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए। Facebook पेज है www.facebook.com/ABP गंगा। Twitter पर भी फॉलो कीजिए, हमारा Twitter हैंडल है twitter.com/ABP गंगा।